वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएमसी चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लगभग 50 ऐसे करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। करंट अफेयर्स से सभी प्रकार की परीक्षाओं में काफी अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देख लेते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को टच जरूर कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए करते हैं आज किस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न है कि चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो चीन के नए प्रधानमंत्री ली केकियांग बने हैं। ली केकियांग फिर से चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एलपीजी पंचायत का आयोजन कहाँ किया गया। तो हाल ही में एलपीजी पंचायत का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार सिंगापुर दूरसंचार लिमिटेड यानी कि सिंगटेल भारत कंपनी लिमिटेड में कितनी राशि का निवेश करेगी। तो हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार सिंगापुर दूरसंचार लिमिटेड भारतीय कंपनी लिमिटेड में 2649 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर बनाया गया है। तो चीन में विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर बनाया गया है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा विश्व का बृहत्तम रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैंकर का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा विश्व का बृहत्तम रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैकर का शुभारंभ किया गया। हाल ही में शुरू किए गए भारत के पहले खेल रेडियो चैनल का क्या नाम है। तो भारत के पहले खेल रेडियो चैनल का नाम स्पोर्ट्स फ्लैशेज है। स्पोर्ट्स फ्लैशेज भारत के पहले खेल रेडियो चैनल का नाम है। हाल ही में किस देश की एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एडवांस सैटेलाइट विद न्यू सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर ऑब्जर्वेशन 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। तो जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एडवांस सैटेलाइट विद न्यू सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर ऑब्जर्वेशन 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय CSR डेटा पोर्टल और कॉरपोरेट डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो अरुण जेटली के द्वारा राष्ट्रीय CSR डेटा पोर्टल और कॉरपोरेट डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। तो कराईकल पुडुचेरी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भूकंपोपरांत नेपाल के पुनर्निर्माण हेतु कितनी राशि के ऋण को मंजूरी प्रदान की गई। तो विश्व बैंक द्वारा 300 मिलियन डॉलर भूकंपोपरांत नेपाल के पुनर्निर्माण हेतु ऋण को मंजूरी प्रदान की गई। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किस जिले में नवनिर्मित द्वितीय युद्ध के स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो चांगलांग जिले में
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नवनिर्मित द्वितीय युद्ध के स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह और दहेज के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाई गई? तो बिहार राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाई गई। भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा के पलवल जिले में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में वीला नामक विश्व की सबसे उम्रदराज गोरिल्लाओं में से एक का निधन किस चिड़ियाघर में हो गया? तो बिला नामक विश्व की सबसे उम्रदराज गोरिल्लाओं में से एक का निधन सैम डिएगो चिड़ियाघर में हो गया। हाल ही में किसे 5वें यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आशा भोसले को 5वें यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया। 19 से 28 जनवरी 2018 के मध्य आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19 से 28 जनवरी के बीच 2018 में रांची में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में किसने न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दिनेश श्रीवास्तव न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। हाल ही में किस देश के गोताखोरों ने विश्व की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग खोजी? तो मैक्सिको के गोताखोरों ने विश्व की सबसे लंबी जलमग्न सुरंग की खोज की। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा लाभ प्रदान हेतु गोवर्धन योजना शुरू की गई। तो गोवर्धन योजना किसानों को लाभ प्रदान के हेतु शुरू की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। वर्तमान में भारतीय रेलवे स्थापना निदेशालय के कर्मी कल्याण कोष के माध्यम से कितने आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों को संचालित कर रही है? तो वर्तमान में भारतीय रेलवे स्थापना निदेशालय के कर्मी कल्याण कोष के माध्यम से 40 आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों को संचालित कर रही है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाई जाती है। 10 से 11 फरवरी 2018 के मध्य यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो 10 से 11 फरवरी 2018 के मध्य यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में जामिन हुसैन खां का निधन हो गया, वह क्या थे? तो जामिन हुसैन खां शहनाई वादक थे जिनका निधन हाल ही में हो गया। एशियाई खेलों के बास्केटबॉल टेस्ट टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो एशियाई खेलों के बास्केटबॉल टेस्ट टूर्नामेंट में भारत ने रजत पदक जीता। किस देश ने हाल ही में भूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने भूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। रोडोडेंड्रन पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो रोडोडेंड्रन पार्क अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी जिप लाइन कहाँ शुरू की गई? तो सबसे लंबी जिप लाइन संयुक्त अरब अमीरात में शुरू की गई। वर्ष 2018 के पहले चंद्रग्रहण के दौरान एशिया में लगभग 35 वर्षों के बाद चंद्रमा 3 रंगों में सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून में दिखा। इससे पूर्व एशिया में ऐसा संयोग कब हुआ था? तो इससे पूर्व एशिया में ऐसा संयोग 30 दिसंबर 1982 को हुआ था।
हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थंगलुरा डारलोग किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? तो थंगलुरा डारडोल रोमानिया के अगले राजदूत नियुक्त हुए। हाल ही में विश्व के सबसे बड़ी फर्नीचर रिटेल कंपनी आईकिया के संस्थापक अंगवार कैम्पराद का निधन हो गया। यह किस देश की कंपनी है? तो फर्नीचर रिटेल कंपनी आर्किया स्वीडन की कंपनी है। हाल ही में भारतीय मूल के किस बच्चे ने मेंसा आईक्यू टेस्ट में नया रिकॉर्ड बनाया? तो मेंसा आईक्यू टेस्ट में नया रिकॉर्ड मेहुल गर्ग ने बनाया। हाल ही में डॉक्टर गुरचरण सिंह कालकट का निधन हो गया। वह क्या थे? तो डॉक्टर गुरुचरण सिंह कालकट कृषि वैज्ञानिक थे। हाल ही में चंद्रशेखर का निधन हो गया। वह क्या थे? तो चंद्रशेखर एक अभिनेता थे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खेल प्राधिकरण का नया महानिर्देशक नियुक्त किया? तो केंद्र सरकार ने नीलम कपूर को भारतीय खेल प्राधिकरण का नया महानिर्देशक नियुक्त किया। हाल ही में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी? तो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला अवनी चतुर्वेदी बनी है। हाल ही में ख्वाजा हलीम का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं? तो ख्वाजा हलीम उत्तर प्रदेश राज्य के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में लिंगानुपात में कितने अंकों की गिरावट दर्ज की गई है? तो हाल ही में गुजरात के नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में लिंगानुपात में 53 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ सांसद चिंतामन वनगा का निधन हो गया। वह किस राज्य से लोकसभा सदस्य थे? तो वह महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा सदस्य थे। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के नए वित्त आयुक्त के रूप में पदभार संभाला? तो हाल ही में एके प्रसाद ने रेलवे बोर्ड के नए वित्त आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को कब तक का सेवा विस्तार दिया? तो अमिताभ कांत को 30 जून 2019 तक का सेवा विस्तार केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। हाल ही में कौन एसबीआई कार्ड के नए सीईओ एवं एमडी नियुक्त हुए? तो हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए सीईओ एवं एमडी हरदयाल प्रसाद नियुक्त हुए हैं। हाल ही में कौन सरकार के सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो भारत सरकार के सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार नियुक्त हुए हैं। हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अशोक दास किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अशोक दास ब्राजील के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का नया निर्देशक नियुक्त किया? तो आयुष्मान भारत योजना का नया निर्देशक डॉक्टर दिनेश अरोड़ा को नियुक्त किया गया। हाल ही में किसने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में केपी शर्मा ओली ने शपथ ग्रहण किया।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियोज़ हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।